हेलो एवरीवन। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोको एक्स फाइव प्रो 5G की। तो कहीं यहाँ पे देखो एक फ़ायदा होने वाला है फ्लिपकार्ट पे। आप जब मंगाते हो ना तो जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यार, आप ऑनलाइन में मंगा रहे हो ना तो आप यहाँ पर जो है ट्राई करिएगा। फ्लिपकार्ट से आप मंगाओगे तो यार अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर अभी तक तो कोई स्कैम नहीं हुआ, बट यार इन फ्यूचर क्या ही पता। बाकी यार बीच में यहाँ पे कई कई जगह पर कर देते हैं, बट यार ओपन बॉक्स डिलीवरी में डेफिनेटली ये फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आप कोड तभी दोगे या OTP तभी दोगे कि गाइस यहाँ पे जब आपका फ़ोन रियल निकले या ओके निकले या फिर अच्छा निकले। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आप चेक कर पा रहे हो ओवरऑल लुक। गाइस काफ़ी अच्छा मोबाइल है ये कंपेयर टू आपके यहाँ पे जो 120,000 के जितने भी मोबाइल है। तो यहाँ पे कितना प्यारा लुक आप देख सकते हो। बाकी यार इसकी बॉक्सिंग जो घर पे भी करेंगे। गाइस आपको लगे कि बिल्कुल नया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा बॉक्स को यहाँ पे पैक करा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड अंदर यहाँ पे बॉक्स अपना पोको एक्स फाइव 5G यहाँ पे जो प्रो वर्जन। तो यहाँ पे देख सकते हो तो मेड इन इंडिया का यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एक देखने को मिल जाता है और राइट साइड में पोको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करोगे तो बॉक्स साथ में निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइड में इसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहे होगे कि गाइस सबसे पहले आपको ब्रांड का एक देखने को मिल जाता है केस या फिर आप बोल सकते हो कवर जो गाइस इसके अंदर देखने को मिलेगा। गाइस एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली है यार, यहाँ पे कंपेयर किया जाए एप्पल या फिर किसी और ब्रांड के साथ में चार्जर तक नहीं देते, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में। तो यहाँ पे गाइस ये जो आपको केस वगैरह देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर का सिंपल सा आपको केस देखने को मिलेगा, जो कि गाइस यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपका ब्लैक ही होने वाला ही है। ठीक है, तो ये व्हाइट है बट यार एक साल बाद आपका ब्लैक देखने को मिलेगा, बाकी केस बिल्कुल ओके रहेगा। ठीक है एंड गाइस ये देखो लुक यार कितना गजब का है यार। तो यहाँ पे देख सकते हो पोको की यहाँ पे जो, और आपको ये तो पता होगा ना पोको MI ही है। ठीक है, MIUI ही इसके अंदर डली होती है, बट यार कंपेयर किया जाए रियलमी के आजकल के जो 11X या आपका जो 11 प्रो जो है उसके अंदर काफी ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि अनइंस्टॉल नहीं होते हैं, बट इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है कि यार उनको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इसकी प्री बिल्ट एप्लीकेशन जो सामने से मतलब आगे से डाल देते हैं ना, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, तो वो जो है यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये अच्छे पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसको एक सेटअप कर लेते हैं हम ओवरऑल, तो यहाँ पे इंग्लिश वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं भाई साहब, नीचे अच्छा स्क्रॉल करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करके सेटिंग्स इसकी सेटअप कर देते हैं एक बार फटेक से। ठीक है, तो फाइनली ये लॉन्च होने जा रहा है एंड सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑब्वियस से बात है यार, सेटअप कंप्लीट होने के बाद अपना लॉन्चर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ही सेटअप कंप्लीट किया यार अपडेट देखने को मिल गया, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे अपडेट फाइनली देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो प्री इंस्टॉल बहुत सारी एप्लीकेशन है यार, तो इनको आप जो अनइंस्टॉल कर लेना, तो आपका अनइंस्टॉल का ऑप्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन इनकी ऐसी रहेंगी कि जो आपकी अनइंस्टॉल नहीं हो पाएंगी, बाकी यार और तो मोस्टली यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो बाकी यार इसके अंदर ओपेरा ब्राउजर दे रखा जो कि आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्टली एप्लीकेशन को यहाँ पे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है एंड यहाँ पे आपको जो एक स्क्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा राइट साइड में, अगर आप करते हो तो यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल जाएगा ऊपर। कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट ये सब टूल्स वगैरह आपको अलग से देखने को मिल जाएगी सेटिंग, जिससे कि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मोबाइल वगैरह का ढूंढना चाहते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अबाउट फोन के अंदर आपको अपडेट देखने को मिल रहा है एंड इसकी UI यार अपनी MI वाली है, ऑब्वियस बात है MIUI 14 डली हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट स्टेबल वर्जन है वैसे तो ये, और इसका यहाँ पे एक अपडेट और डेफिनेटली यहाँ पे 4GB से भी ऊपर का भाई। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डाउनलोड लगा देते हैं हम, और गाइज ओवरऑल यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि भाई थोड़े टाइम बाद डाउनलोड भी हो ही जाएगा, ऑब्वियस बात है यार नेट तो उड़ने ही वाला है न्यू फोन लेते हैं। तो अभी गाइज मोबाइल को साइड में रखते हैं, बॉक्स के अंदर और चीज़ें भी तो हों की तो वो भी देख लेते हैं। 67 वोल्ट का इसके अंदर फास्ट चार्जर है जो कि गाइज यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन बाय Xiaomi। ओके, तो Xiaomi ने इसको डिज़ाइन किया यानी MI वाली कंपनी ही, तो MI Xiaomi और अपना पोको सब सेम ही है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से बस मतलब सेल करते जो भी है। तो यहाँ पे 67 वोल्ट है एंड गाइज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है यार आपका 45 मिनट में फुल चार्ज होगा। ठीक है, 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो गाइस केबल वाइट है, बाकी यहाँ पे देखो फोकस करके दिखा रहा हूँ, अंदर से यहाँ पे आपको जो है रेड का एक वो देखने को मिल जाएगा कि गाइस आपको यहाँ पे अलग से यूनिक बना रहे हैं, जैसे रियलमी वाली येलो बनाते हैं ना अंदर से, ऐसे ये जो रेड बना रहे हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आपका जो है इन्फिनिक्स की कंपनी का भी मैंने दिखाया था, वो भी अंदर से यहाँ पे रेड का ही यहाँ पे केबल का जो देते हैं।
तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे देख लो यार, मतलब कि चार्जर लग रहा है या नहीं लग रहा है देख लेते हैं। चलो फाइनली चार्जर तो लग गया। तो अभी बॉक्स का काम खत्म हो गया गाइस। बॉक्स के अंदर आपने देख लिया कि क्या क्या मिल रहा है। अभी इनको सब सेटल कर देते हैं फटेक से, एंड गाइस फिर से पिकअप कर लेते हैं अपने मोबाइल को। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपका क्या रह गया, कैमरा टेस्ट तो रह गया। ठीक है, कैमरा भी दिखा देता हूँ मैं। भाई साहब ओनली दिस टाइम। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि भाई ये मोड है इसके। तो यहाँ पे देखो गाइस, व्लॉग के लिए अलग से मोड दे रखा, बाकी 108 मेगापिक्सल का कैमरे के लिए अलग है, शॉर्ट वीडियो के लिए अलग है, एंड गाइस यहाँ पे पैनोरमा टाइम लैप्स वगैरह ये चीज़ें दे रखी है। बाकी इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे स्पेशल दे रखी है गाइस, डॉक्यूमेंट और यहाँ पे प्रो वाली। तो यहाँ पे दोबारा से फोटो को आपको जो यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ, तो अभी अभी सही है। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, एक प्रो मोड है। प्रो मोड के अंदर आप यहाँ पे जो है ऑटो वाला सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का क्लिक करके भी आप खींच सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके कैमरा सैंपल है। एंड गाइस यहाँ पे देखो 108 मेगापिक्सल का क्लिक करके अगर हम खींचते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सुधार देखने को मिलेगा ही, डिटेल जो आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, और उस पर लिखा होगा कि 108। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स का भी यहाँ पे जो है खींच के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे वो बॉक्स यहाँ पे पूरा ब्लैक नहीं है, उस पे स्क्रैच है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिला, बट यहाँ पे थोड़ा सा कूल कर देता है कलर्स को। तो गाइज ये अपने कुछ फीचर थे, ये मोबाइल था अपना। तो गाइज आई होप आपको जो है स्कैन बॉक्सिंग पसंद आई होगी। बाकी इसका रिव्यू मैं यही ऐड करना चाहूँगा, इसके अंदर भी एप्लीकेशन आती है, बाकी यहाँ पे एक दो एप्लीकेशन है जो इसके अंदर भी रिमूव नहीं होती है। बाकी यार कंपेयर किया जाए और अदर ब्रांड से तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिमूव कर सकते हो। बाकी यार यूआई वगैरह काफ़ी स्मूथ है, एंड बैटरी वगैरह जो है मतलब थोड़ी सी कम चलती है यार, 1% जो है। वैसे तो यहाँ पे अपडेट वगैरह लग रहा था तो डाटा वगैरह ऑन था, बट यार कंपेयर किया जाए 5000 mAh का 1% बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही मतलब उठ रही थी, तो पता नहीं अभी फर्स्ट टाइम मतलब डिस्चार्ज होने के बाद सही से काम करे या फिर अच्छे से अपडेट होने के बाद। बट यार ओवरऑल यही था इसका कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बैटरी वगैरह के अंदर भी मेरे को देखने को मिला, और गाइस यहाँ पे जूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अच्छे से यहाँ पे टैप करते जब यहाँ पे इसका जो ऑटो फोकस जो अच्छे से काम कर रहा था। बाकी इसके अंदर जो प्रो फीचर और भी काफ़ी फीचर दे रखे हैं, जो ये गाइस यहाँ पे आपको जो है 108 मेगापिक्सल का जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाओगे इसके अंदर कैमरे का। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे ये पड़ा था आपने को 1999 में। ठीक है, और 8GB 256 यहाँ पे वेरिएंट है, और यही इसकी अनबॉक्सिंग। बाकी यार ओवरऑल आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो। तो गाइस ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड यू आर यार सब्सक्राइब, साथ में बेल नोटिफिकेशन दिखेगा उस कॉल पर सेट कर लेना। बाकी यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि गाइस आपको इसकी अनबॉक्सिंग कैसे लगी, और आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, लव यू गाइस।